गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आइए प्रोसेस मेनू के अगले मॉडल की बात करते हैं। इससे प्रीवियस मॉडल्स में मैंने बात की थी कि सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और एबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके हमने कई अलग अलग मॉडल्स पे काम किया, लाइक सेल्स कॉन्फिडेंस और सेल्स एबिलिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्स, यानी कॉन्फिडेंस इनका मीडिएटर है। एक ये किया था हमने, डिस्क्रीट मॉडरेटर पे काम किया था और कंटिन्यूस मॉडरेटर पे भी काम किया था, जिसको इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। हमने सीरियल मीडिएशन पे भी काम किया था कि सेल से एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आवाज़। और ये आज हम एक बिल्कुल अलग पे काम करते हैं, मॉडरेशन ऑफ मीडिएशन। मॉडल मेरा ऐसा है कि एबिलिटी से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से सेल्स बढ़ती है और नंबर ऑफ आवर्स इन तीनों रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। लाइक अगर आप नंबर ऑफ आवर्स अपने प्रिपरेशन के ज़्यादा देंगे तो एबिलिटी से जो कॉन्फिडेंस है ये इफेक्ट करेगा, यानी कॉन्फिडेंस पे एबिलिटी और नंबर ऑफ आवर्स का इंट्रैक्शन इफेक्ट है। एबिलिटी तो है लेकिन जितना नंबर ऑफ आवर्स देंगे प्रिपरेशन में, इनका कंबाइंड इंट्रैक्टिव इफेक्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है और ज़्यादा प्रिपरेशन करें, सेल्स अच्छी होगी। इसी तरह अगर एबिलिटी है और नंबर ऑफ आवर्स प्रिपरेशन के ज़्यादा देते हैं तो सेल्स बढ़ता है। तो इन तीन के ऊपर मुझे चेक करना है, नंबर ऑफ आवर्स फॉर प्रिपरेशन का मॉडरेशन इफेक्ट इस रिलेशन पे, इस पे, इस पे, तीनों पे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये रिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा मॉडल है। कॉन्फिडेंस पे नंबर ऑफ आवर्स, मेरे चारों वेरिएबल ये मीट्रिक वेरिएबल हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स और सेल्स एबिलिटी इन दोनों का इंट्रैक्शन इफेक्ट कॉन्फिडेंस पे रहेगा। इसका मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो बनेगा, रिग्रेशन कैसे चलेगा, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस सेल्स एबिलिटी का इफेक्ट, नंबर ऑफ आवर्स का और इनका इंट्रैक्शन इफेक्ट। और यहाँ जो सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, सेल्स पे चार इफेक्ट पड़ रहे हैं, एक तो कॉन्फिडेंस का और एक कॉन्फिडेंस और नंबर ऑफ आवर्स का, और नंबर ऑफ आवर्स का भी ऑब्वियसली, फिर सेल्स एबिलिटी का, नंबर ऑफ आवर्स और इन दोनों का इंट्रैक्शन इफेक्ट, यानी पांच इफेक्ट पड़ रहे हैं। सेल्स एबिलिटी एक, कॉन्फिडेंस दो, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एक अलग से प्लस B5, और B5 के अंदर आ जाएगा आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक। और इसी तरह इसको भी ठीक कर दें। इन पांच का इफेक्ट पड़ा, सेल्स एबिलिटी एक, कॉन्फिडेंस इतना, इन दोनों का इंट्रैक्शन इफेक्ट और इन दोनों का। एबिलिटी एंड आवर्स का जो इंट्रैक्शन इफेक्ट है वो सेल्स पे नहीं है, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस पे है। तो यहाँ पर एक, दो, इसका इंट्रैक्शन, इसका इंट्रैक्शन चार, और नंबर ऑफ आवर्स का पांच, ये हमें देखना है। और ये हमारा होगा मीडिएशन का मॉडरेशन, यानी मॉडरेशन ऑफ मीडिएटिंग इफेक्ट। इसको पहले हम रिग्रेशन से करेंगे और फिर हम प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस के अंदर हमें देखनी है टेम्पलेट और पहचानने की कोशिश करनी है कि ये जो मॉडल है ये कैसा है, जिसमें मीडिएशन भी है और मीडिएशन की तीनों का मॉडरेशन है। तो इसको अगर हम इस फाइल में देखते जाएं तो मेरे ख्याल से ये वाला काफ़ी सटीक बैठता है। इसका नंबर है 59, मॉडल नंबर 59 है। मॉडल नंबर 59 के अंदर एक हमारा है X, एक है Y, एक है M। M यहाँ पर हमारा मीडिएशन है और W तीनों को मॉडरेट कर रहा है। स्टेटिस्टिकल डायग्राम क्या बनेगा कि ये जो मीडिएटर है इस पे इफेक्ट पड़ेगा X का, मॉडरेटर का और इंट्रैक्शन का, इस पे इफेक्ट पड़ेगा X का, मॉडरेटर का और इस इंट्रैक्शन का, M और W का। X और W का क्यों कह रहे हैं ये इफेक्ट पड़ेगा, X W का, अच्छा X इफेक्ट ये वाला होगा ना, X W तो मॉडरेटर इसको कर रहा है, यानी ये वाला, ये W X हो गए, X है, W है, इधर से है W और M, और ये हो गए M, पांच आ रहे हैं, पांच एरो आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको हम समझते हैं कि इसमें कैसे करेंगे, तो मैं एक एक करके करता हूँ। पहले कॉन्फिडेंस पे एबिलिटी, आवर्स और इनके इंट्रैक्शन इफेक्ट को लगाते हैं। इंट्रैक्शन इफेक्ट मैंने दोनों निकाल लिए हैं, एबिलिटी इंटू आवर्स चेक कर लें 19 × 476 और कॉन्फिडेंस इंटू आवर्स 19 × 595, ये हम ट्रांसफॉर्म में जाके निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या हमारा
आवर एबिलिटी और इंटरेक्शन, इन तीनों का कोई इफेक्ट आता है। सो मॉडल समरी एफ आ रहा है और इसमें इसने बताया कि सिर्फ आवर्स का है, 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे एबिलिटी का भी है, वरना 5% पे सिर्फ आवर्स का, और इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, 0 0 0, कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्टेंट माइनस क्यों है। चलिए सेकेंड हम चेक करते हैं, यानी यहाँ पर हमारा निकल कर आया कॉन्फिडेंस पे सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स का है, यानी एबिलिटी को भी ये अंडू कर देता है या इसको मल्टीकोलिनिटी के चलते बाहर कर देता है, इंटरेक्शन इफेक्ट तो है ही नहीं इसका। ओके, व्हाट अबाउट द सेल्स, सेल्स पे 5 चीज़ों का, सो लीनियर रिग्रेशन 1 2 3 4 और कॉन्फिडेंस 5 सेल्स के ऊपर, इसको भी चेक कर लेते हैं। इफेक्ट है, एबिलिटी का इफेक्ट है और कॉन्फिडेंस का इफेक्ट है, दोनों इंटरेक्शन का बिल्कुल नहीं है और आवर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एबिलिटी और कॉन्फिडेंस का इफेक्ट है। अब इस काम को हम करते हैं प्रोसेस से। अच्छा, इसमें इंटरेक्शन तो हमारे दोनों चेक हो गए कि इंटरेक्शन का यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों ही इंटरेक्शन नहीं है, ना ये वाला ना ये वाला, लेकिन मीडिएशन चेक नहीं हुआ इस मॉडल में। मीडिएशन के लिए फिर हमें वही एमोस पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, या हम प्रोसेस से कर सकते हैं। प्रोसेस से डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है इनका नोमेनक्लेचर, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में लेके चल रहा हूँ एबिलिटी को। मीडिएटर एम वो है मेरा कॉन्फिडेंस, ये यहाँ से पता लगा, इसका नाम एम है, और डब्ल्यू में डालना है ये हमें, जो मॉडरेटर है वो डालना है डब्ल्यू के अंदर, सो मॉडरेटर है आवर्स, इसको डाला डब्ल्यू में। तो अगर एक से ज़्यादा मॉडरेटर हैं तो देखिए अगले कहीं किसी में आपको डब्ल्यू के साथ जेड भी मिलेगा, तो जेड कब यूज करना है, अगर हमारा डायग्राम इस तरह का हो या जिसमें जेड गिवन हो, तो सबसे पहले हमें प्रोसेस को समझने के लिए ये टेम्पलेट फाइल को समझना पड़ेगा। इसमें ओवरऑल 76 मॉडल्स गिवन है, तो हमें पहले अपना अप्रोप्रिएट मॉडल सर्च करना है। सो मॉडल नंबर 4 की जगह 59 कर दूंगा, यहाँ पे 59 और कुछ नहीं, बूटस्ट्रैप 95%। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस करने के अंदर। प्रोफेसर हेज ने बनाया, ये रनिंग पे चल रहा है, यहाँ डिफाइन ये आएगा, हम इतने करके एक काम करते हैं, इनको एक एक करके एवेल्युएट करेंगे। सो ये हमारा आउटपुट आ गया है, आइए आउटपुट पढ़ते हैं। ऊपर तो ये बताया 59 मॉडल है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल साइज, कोई बात नहीं, इनको हटा देते हैं आउटकम से, ऊपर का मैं हटा रहा हूँ। इसी तरह नीचे इन्होंने लिखा है वैल्यू क्या है एनालिसिस फॉर, ये इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक, ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा हमने सिंपल रिग्रेशन लगाया था कॉन्फिडेंस के ऊपर, ये वही है कॉन्फिडेंस पे, आर स्क्वायर 717 717, करेक्ट, और कुछ आर 847 8469, ये तीन डेसिमल प्लेस तक है ये वही 7172 ही है। अनोवा एफ वैल्यू है 178, करेक्ट, डिग्री फ्रीडम 3211, ये भी ठीक है। MSE मीन स्क्वायर का रेजिडुअल 0.781, ये भी ठीक है। आर स्क्वायर पी वैल्यू सिग्निफिकेंट, बिल्कुल ठीक। कॉफिशेंट देख लेते हैं, कॉफिशेंट कॉन्स्टेंट हमारा 177 सेम है, एबिलिटी 181, करेक्ट, आवर्स 283 और इंटरेक्शन इफेक्ट 0002। ओके, तीन डेसिमल प्लेस तक है। टी वैल्यू सिर्फ आवर्स की 7 है 7.2 और यहाँ है 1.8 1.8, UCL LCL से भी हम देख सकते हैं, तो इससे हमें पता लगा कि सिर्फ एक आवर्स ऐसा है जो सिग्निफिकेंट है, बाकी तीन नहीं है, यही चीज़ ऊपर आया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये टेबल आती कहाँ से, इसका क्या मतलब है, ये सिंपली इन्हीं का रिग्रेशन रन किया सबसे पहले, मतलब इसमें हम बार बार खुद कर रहे थे, यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करते हैं तो एक ही बारी में ये सब रन कर देता है। आइए इसको समझते हैं नेक्स्ट। जब हमने सेल्स के ऊपर लगाया, ये अब सेल्स वाला है, सेल्स पे हमने लगाया तो आर स्क्वायर था 7952 और आर स्क्वायर था 892 और अनोवा एफ वैल्यू 162, लेट्स चेक 162 आ रही है, हाँ जी 162, डिग्री फ्रीडम 5209, करेक्ट, एमएससी 14196,
करेक्ट, आर स्क्वेयर 7 9, बिल्कुल ठीक है। कोफिशियंट को चेक कर लें, कोफिशियंट कांस्टेंट है -238, 238 ठीक है। कॉन्फिडेंस 837 और 734, 837 734 टी वैल्यू एबिलिटी की और कॉन्फिडेंस की 4 से ज़्यादा है। सो टी वैल्यू 4 से ज़्यादा एबिलिटी और कॉन्फिडेंस की, बाकी सारी बेकार, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट है बाकी नहीं है। यानी और ये इंटरेक्शन इंटरेक्शन 4.9, 2 क्या इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस और आवर्स का 4.98, कॉन्फिडेंस आवर्स का 4.98, और नेक्स्ट है इंटरेक्शन एबिलिटी और आवर्स का, दैट इज -7 1 पॉइंट, दिस ये भी सेम है। तो इसका मतलब जो मैं अलग अलग करके कर रहा था पहले इंटरेक्शन निकाल के, अगर हम प्रोसेस यूज करते हैं इसमें एक साथ निकाल देता है और है ये इंटरेक्शन इफेक्टिव। हाँ, इसमें अब यहाँ चीज आती है अलग से कि ये वाला हो गया मॉडल हमारा, ये वाला मॉडल भी हो गया हमारा, इंटरेक्शन भी हो गया, ये तो सिंपल रिग्रेशन है। अब आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होते क्या हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। सेल्स पे जो इफेक्ट आ रहा है वो किस किस का इफेक्ट आ रहा है, और मान लीजिए अगर हम ये बोलते थोड़ी देर के लिए कि हमारा मॉडल एक्चुअली ये भी है, ये भी ऐसे है। अब एक चीज समझो और इसको भी लगा लें एक बारी, इसका मतलब अगर इस केस में मेरे पास 2 मीडिएटर होते तो हम कैसे करते, ये भी एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर ये पैरेलल मीडिएशन का काम हो गया, इनको हटा देंगे ब्लू एरो को। अब देखिए सेल्स का, सेल्स एबिलिटी का, इसको मैं एबिलिटी कर देता हूँ, एबिलिटी का सेल्स पे जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट इफेक्ट, अगर ये भी नहीं हो ये भी नहीं हो। अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स को एक मिनट के लिए कहूँ कि ये नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, ओके सारे कट हैं, नंबर ऑफ आवर्स नहीं है एक मिनट के लिए, तो सेल्स का कॉन्फिडेंस के थ्रू जो इफेक्ट जाएगा, एक तो डायरेक्ट था, इसके थ्रू जो जाएगा उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर मीडिएटर हैं तो सेल्स पे थोड़ा सा इफेक्ट इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू आएगा अगर ये सिग्निफिकेंट है और डायरेक्ट भी है, इसको बोलते हैं टोटल इफेक्ट। टोटल इफेक्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सबका मिला के। तो इसीलिए हम बूटस्ट्रैपिंग में सबसे पहले देखते हैं सिर्फ डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट है इसका मतलब कोई मीडिएशन है, अगर इनडायरेक्ट सॉरी अगर इनडायरेक्ट है तो मीडिएशन है, अगर इनडायरेक्ट नहीं है तो कोई मीडिएशन नहीं है। तो इनडायरेक्ट हमें देखना चाहिए किसी एक के थ्रू, अगर एक से ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है पैरेलल मीडिएशन में, क्योंकि एक के थ्रू नहीं है लेकिन दूसरे के थ्रू तो जा रहा है वहाँ पे, तब हम टोटल वगैरह को भी देखेंगे। तो अभी तो हम एज ए रूल सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं, अगर इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है तो मीडिएशन है। दोबारा डायरेक्ट है या नहीं ये बताता है टाइप ऑफ मीडिएशन, कि मतलब वो फुल मीडिएशन है या पार्शल है या इनडायरेक्ट कैसा है, उसके लिए हम देखते हैं दोबारा डायरेक्ट। तो इस चीज़ को प्रोसेस में कैसे समझाया है प्रोसेस ने, अच्छा इसमें हमारा मॉडरेटर कौन था, हमारा मॉडरेटर था आवर्स, चेक कर लें मॉडरेटर हमारा है आवर्स। तो एक काम करते हैं एक मिनट, आवर्स का मैं यहाँ पे मीन निकाल देता हूँ, मीन है 11.8, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.2, तो अगर इसमें से 4.2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यह आएगा रफली 7.6 के करीब। ये देखिए मीडिएटर आवर्स एक तो लिया है 11.81, ये यहाँ तक की टेबल हम कर चुके, इस पे अभी आ रहे हैं, पहले एक बार यहाँ देखिए, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट एक लिया जब मीन पे, यानी जो हमारा आवर्स है उसका मीन स्कोर कितना है, उसका मीन स्कोर है 11.81, उस पर निकाला, क्या निकाला उस पर इफेक्ट देखा, किसका इफेक्ट, एक्स का वाई पे इफेक्ट, जब मीडिएटर की हमने वैल्यू ली है एवरेज, यानी ये जो हमारा आवर्स है इसका एवरेज निकाला 11 है, उस 11 पे इस रिलेशनशिप को स्टडी किए, ठीक है ये रिलेशनशिप हमारा कैसा आ रहा है, क्या इसका इफेक्ट है या नहीं है। इफेक्ट है 160, नल हाइपोथेसिस ये इफेक्ट 0 है, यहाँ पर हमारा LCL और UCL गिवन है, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल यूनिट, वो देख लीजिए, अगर इसमें 0 आ रही है तो ये इफेक्ट 0 है, इसका मतलब ये इफेक्ट 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। अब जो प्रोफेसर हेज हैं इन्होंने अपनी बुक में समझाया है कि कई बार ऐसा होता है कि मीन के ऊपर तो सिग्निफिकेंट है रिलेशन, लेकिन जब एक तरफ हम जाते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। उन्होंने एग्जांपल से समझाया है कि मॉडरेटर का ये भी चेक करना चाहिए कि अगर एक सिग्मा नीचे एक सिग्मा ऊपर चले तो वो इफेक्ट रहेगा मीडिएशन का या ख़त्म हो जाएगा। वही इन्होंने निकाला है कि एक बार मीन के अंदर सिग्मा को ऐड किया, 11 4 15 और 116,
16 आ गया, और एक बार सब्ट्रैक्ट किया उस पे इफेक्ट देखा, यानी एक x बार माइनस सिग्मा पे 160 है, x बार पे 165 और x बार प्लस सिग्मा पे 170, और तीनों ही सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा जो मीडिएटर है वो तो सिग्निफिकेंट है, और यही चीज़ यहाँ इनडायरेक्ट से निकला है। ये है कंडीशनल डायरेक्ट इफेक्ट 679, 649 वगैरह, और ये हमारे सिग्निफिकेंट है। टी वैल्यू देख लीजिए सबकी 2 से बड़ी आ रही है। ये तो डायरेक्ट तो सिग्निफिकेंट था ही, इनडायरेक्ट जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इसका? ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो कॉन्फिडेंस है वो इसका मीडिएटर है। वैसे ये चीज़ हम इससे पिछले मॉडल में भी देख चुके थे जब नंबर ऑफ आवर्स हमने नहीं लिया था। कॉन्फिडेंस एबिलिटी और सेल्स का मीडिएटर है, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स इन तीनों रिलेशनशिप को मॉडरेट नहीं कर रहा है, यानी इनका इंट्रैक्शन इफेक्ट इनके ऊपर नहीं है। ये चीज़ हमें पता लगी इस इंट्रैक्शन से कि पी वैल्यू, टी वैल्यू 2 से छोटी, पी वैल्यू 0.05 से बड़ी, इंट्रैक्शन तो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर हमारा बिल्कुल है। डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, तो यानी मीडिएटर तो है लेकिन मॉडरेटर नहीं है। ये हमारी स्टोरी हुई कि मॉडरेशन ऑफ मीडिएटर। आई होप समथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू।